नमस्कार दर्शक बंधु मुँ राजेश आपको स्वागत करुच्छे आई ने 24 न्यूज को जो मैंने प्रतिदिन प्रति समय कि नुआ नुआ खबर और अपडेट पाई राज्य में कौन अनलॉक प्रक्रिया रूपरेख आसतु जाना राज्य में कमुच्छे कोरोना संक्रमण लगातार खसी चली टेस्ट पॉजिटिव रेट तेणु जीविका को गुरुत्व दे धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया को जीव राज्य बड़ प्रश्न राज्य में कौन अनलॉक प्रक्रिया रूपरेख क्यों जिले में किभली अनलॉक प्रक्रिया लागू हेबो यहाँ पर विचार विमर्श जारी रखी स्वास्थ्य विभाग विभाग सूचना अनुसार 12 जिले में टेस्ट पॉजिटिव रेट 5% रु कम रही अर्थात यह सबू जिले में प्रति 100 जन कोविड टेस्ट 5 जन रु कम पॉजिटिव चिन्हट होती सेहीपरि 5-10% टेस्ट पॉजिटिव रेट रे रही 11 जिला बड़का 7 जिले में एवं भी 10% रु अधिक टेस्ट पॉजिटिव रेट रही 5% रु कम टीआरपी जिलागुड़िक राज्य सरकार अनलॉक प्रक्रिया को जापारतीपटे खोर्धा कटक जाजपुर केन्द्रापड़ा नयागढ़ पुरी और मयूरभंज जिले में पॉजिटिव रेट एवं भी 10% उपर रोथ जिलापाई स्वतंत्र रणनीति एटार टेस्टिंग संख्या बढ़ा सहित टीकाकरण को त्वरावित करने को योजना कर पूर्व दिल्ली मुंबई भली मेट्रो सिटी रे पर्यायक्रमे अनलॉक प्रक्रिया लागू हो सारी दिल्ली रे ऑड इवन फॉर्मूला रे दुकान गुड़ी को खोलिबा को अनुमति दिया जाइछि अर्थात जुग्म अजुग्म नंबर अनुजाई दुकान गुड़ी को दिने छाड़ी दिने खोला जाउछि तबे गली दुकान और गोटिकिया दुकान सबको सबुदिन खोलिबा को अनुमति मिलिछि सेपटे महाराष्ट्र रे लागू होइछि पंचस्तरीय अनलॉक व्यवस्था तबे स्वास्थ्य विशेषज्ञ मतरे ओडिशा रे मध्य पर्यायक्रमे अनलॉक करा जिबा उचित किंतु कटकणा निहाति रहिबा आवश्यक जेमिति कि मॉल पार्क जिम धार्मिक और शिक्षा अनुष्ठान संपूर्ण बंद रहिबा आवश्यक ता सह नाइट कर्फ्यू सप्ताहत लॉकडाउन दुकान बजार रही एसओपी जारी करिबा सरकारी और बेसरकारी ऑफिस रे कम संख्यक कर्मचारी को नहीं काम करिया उपरे फोकस देबा दरकार बोली विशेषज्ञ मत देछन्ति तबे निश्चित एक बड़ गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त से आम समस्त यही सब कटक मानि चलने को जहाद्वारा आम करोनार तृतीय लहर को एड़ाई दे पारिबा